ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। हमारे घर की यह परंपरा है, हमारे घर की बहू बेटियां घर से बाहर काम के लिए भी कदम नहीं रखती, और तुम्हारी बेटी नाचना गाना चाहती है, हीरोइन बनना चाहती है। अंकल, दरअसल बात यह है कि शादी ना होने की वजह से मुझे कोई नाराजगी नहीं है। दरअसल बात यह है कि वसुधा की शादी मेरे साथ तो नहीं हो पाई, लेकिन उसकी खुशी में आपकी खुशी मानकर उसकी शादी आदित्य के साथ तो करवा ही दी। मेरा इंतजार क्यों? अरे हाँ व्यो मिस दिक्रा, हाँ पंडित जी ने फोन है, तो वो अभी रिश्ते के बारे में बात करने आ रहे हैं और साथ में कुछ लड़कियों की तस्वीर भी लेकर आएंगे, तुम जरा देख लेना, ठीक छे? ओफो बुआ, मुझे लड़की पसंद है या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लड़की बस आपको पसंद आनी चाहिए। हाँ बेटा, मुझे पसंद आनी चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम भी लड़की को देख लो, फिर बाद में मुझे ना ये खटका नहीं रहना चाहिए कि लड़की तुम्हें पसंद आई भी या नहीं भी आई और पता नहीं क्या हुआ, तो एक बार तुम भी देख लो मेरी तसल्ली के लिए। बुआ, आप जो लड़की पसंद करोगे ना, मैं आंख बंद कर उसके साथ शादी कर लूंगा। मने खबर छे दिकरा, लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि लड़की तुम्हें पसंद करनी है तो करनी है, बस। लो पंडित जी आ गए। आओ आओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उमंजू ये देखिए, दो लड़कियों की तस्वीरें हैं, देखिए उसमें से कौन सी पसंद आती है आप। जय श्री कृष्ण बेटा, खुश रहे। क्या बात है जजमान, शुं थयो? अरे शुं थयो शुं पंडित जी, आ छोकरी ना कपड़ा जोया, इसके कपड़े देखकर लगता है आपको कि ये घर संभाल पाएगी, जिम्मेदारियां संभाल पाएगी? जरा ही नहीं। आप कपड़ों पर मत जाइए, उनका स्वभाव देखिए। पंडित जी, कपड़े ही तो स्वभाव का आईना होता है। हाँ। कपड़ों से ही तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसान का स्वभाव कैसा होगा। हाँ हाँ, और लड़की के माँ बाप ने तस्वीर भेजी है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजी होगी ना, मुझे तो ये तस्वीर देखकर लड़की बड़ी फैशनेबल लग रही है। अरे आप भी ललिता बहन, लड़की ने कुछ ऐसे कपड़े पहन लिए उसमें आपने सवाल खड़े कर लिए। आजकल कौन सी लड़कियां हैं जो ऐसे कपड़े नहीं पहनती? आप उनको व्यक्तिगत रूप से मिलेंगी तब आपको समझ में आएगा। रेवादियो पंडित जी, रेवादियो, आप तो ऐसे ही बात करेंगे ना, रिश्ता करवाना आपका काम जो है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं ललिता बहन, मैं बहुत सोच समझ कर ये रिश्ते लाया हूँ। दोनों लड़कियां आपके घर के लायक है और व्योमेश के साथ जोड़ी जमेगी उसकी। वो दूसरी फोटो दिखाइए, दिखाड़ो दिखाड़ो। हाँ सो पंडित जी, इस लड़की की सूरत देखी,
ही नहीं है। वो लड़की थी ना वसुधा, कितनी सुंदर थी, नहीं पहली नजर में पसंद आ गई थी। उसकी हम शक्ल कहां से लाऊं? क्या है कि उस लड़की को आप व्यक्तिगत रूप से मिले थे इसलिए आपको पसंद आई थी। अब मैं कार्यक्रम बनाता हूं कि सारी लड़कियां आपको व्यक्तिगत रूप से ही मिलवाता हूं। 25 तो मैं नक्की कर जो सर। अरे मंजू क्या मरी गई, नाश्तो क्या रे लाओ से काले, जल्दी लाओ लावे छे। हो हर वक्त आप क्या सोचते रहते हैं? बच्चों के साथ खाना खा रहे हैं, थोड़ा हंसिए बातें कीजिए। क्या पापा, आप तो कुछ खाते ही नहीं है। पापा ये लीजिए। पता है मम्मी ने खास अपने हाथों से बनाया है सिर्फ आपके लिए। आपको बहुत पसंद है ना, लीजिए। एक और लेना पड़ेगा, एक और, बस एक और लीजिए ना। ओहो ये हुई ना बात। पापा याद है ना सालगिरह वाली बात? हाँ याद है, याद है। तो ठीक है पापा, इस बार हम लोग आपकी शादी की सालगिरह ना बहुत धूमधाम से मनाएंगे, अच्छे से मनाएंगे, ठीक है? हाँ भाई बना लो, मैं कब मना कर रहा हूँ। एक बात कहूँ पापा, अब हाँ तो हर साल कह देते हैं लेकिन किसी भी साल शादी की सालगिरह ठीक से नहीं मनाते हैं। पापा को तो सालगिरह वाले दिन भी ऑफिस जाना जरूरी होता है। पापा इस बार आपके शादी की 25वीं सालगिरह है, हम आपको ऑफिस नहीं जाने देंगे, याद रखिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे, बच्चों को भी इज्जत करने का हक होता है ना, तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पापा अगर आपने हाँ कर दिया ना तो इस शादी की सालगिरह में आप अपने सारे दोस्तों को भी बुलाएंगे, ठीक है? मैं कुछ दोस्तों को बुला लूंगा और क्या, हम परिवार के साथ ही बना लेंगे। तो ठीक है, अभी ये तय हो गया है कि सारी तैयारियां मैं करूं। हाँ हाँ तुम्ही को करनी है ना क्योंकि ये सारा शौक तो तुम तीनों को ही है ना। बीजू शू ऐसे मौके बार बार कहाँ आते हैं, 25 साल के बाद ये मौका आया है। अच्छा अगर आप कहें तो बच्चों के दोस्तों को भी बुला लें। भाई हमारी शादी की सालगिरह है, अगर बच्चों का बर्थडे होता तो समझ में आते हैं, मैं अपने दोस्तों को भी तो बुला रहा हूँ ना। ठीक है पापा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैसे भी हम सब तो अपने काम काज में बिजी रहते हैं, लेकिन पापा आप प्रॉमिस कीजिए आप अपने सारे फ्रेंड्स को जरूर बुलाएंगे। जानते हैं पापा जब पूरा घर मेहमानों से भरा होता है ना तो बहुत रौनक रहती है, इसलिए आप सबको बुला लीजिएगा। भाई मुझे तो नींद आ रही है। इतनी जल्दी? मैं तो चलता हूँ। अरे गुड नाइट। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मम्मी पापा हमारा थी नाराज तो नहीं थे? अरे ना ना उस बात को तुम भूल चुके हैं। सारू ने मेरे सच कह रही है मम्मी, पापा को देखकर तो ऐसे ही लग रहा वो तो कितने खुश थे नहीं। लीजिए आपने देखा आपको खुश देखकर बेटियां कितनी खुश हो गई थी, और वसुधा तो आपको जानबूझकर खिला रही थी। छोटी मोटी घटनाओं से भी बच्चों के दिल में संकोच घर कर जाता है। आपको और मुझे दुखी देखकर वो तीनों की मुस्कुराहट भी खो गई थी। आज आपको खुश देखा तो देखा
तीनों लड़कियां भी कितनी खुश हो गई। हाँ निर्मला, मैं जो हूँ मैं भी यही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहे, लेकिन कभी कभी कुछ बातें परेशान कर देती हैं, दुखी कर देती हैं। मैं कोई ऐसी लापरवाही नहीं करना चाहता ताकि बाद में मेरे बच्चों को परेशान होना पड़े। कोई समझी नहीं, जमाना बहुत खराब है और हमारी तीनों बेटियां काबिल है, तेज है, अब वासु किसी को बर्दाश्त ही नहीं करती है, सबको चैलेंज देती है। आप उसी अनिकेत की बात कर रहे हैं ना जिससे वसुधा ने कॉलेज में चैलेंज किया था? वो बात हमारे तक पहुंची थी। हर बात हमारे तक तो नहीं पहुंचती ना, और तुम्हें वसुधा का स्वभाव भी मालूम है, हर शख्स से तो वो लड़ पड़ती है। हाँ ये बात साची, लेकिन वो सच्चाई के लिए लड़ती है ना। सच्चाई के लिए वसुधा किसी के भी साथ लड़ सकती है। इसी बात की तो मुझे फिक्र है, सच्चाई और अच्छाई की वजह से उसके कॉलेज में बहुत सारे दोस्त हैं, दुश्मन भी तो होंगे ना, लेकिन वो ये बात नहीं समझ रही है कि वो एक लड़की है और हम कैसे भूल सकते हैं। वो समझी नहीं शक्ति के तुम्हें शू कहवा मांगो छो। मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब बेटियां बड़ी हो जाती है ना तो माँ बाप की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो उन्हें सावधान रहना चाहिए। आप पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं कहते थे, आज अचानक आपके मुंह से ऐसी बातें क्यों? मतलब आपके दिल में जरूर कुछ न कुछ है, बोलो ना शू आज। मुझे अनिकेत का फोन आया था। अनिकेत मतलब तो वही ना जिसे वसुधा ने कॉलेज में चैलेंज किया था? हाँ निर्मला, एक तो वासु ने उसे हराया और दूसरा उसके रिश्ते से इनकार कर दिया। वो तो वासु को दुश्मन ही समझ रहा होगा। तो इसके लिए क्या किया जाए? वसुधा को कॉलेज के सारे लड़की लड़कियां बहुत ही मानते हैं। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन उसका एक तो दुश्मन होगा जो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी हद तक जा सकता है। अब इसके लिए हम बेटियों का कॉलेज जाना तो नहीं छुड़वा सकते ना? ये मैंने कब कहा? मैं भी तो चाहता हूँ कि वासु अपनी पढ़ाई पूरी करे। तुमने मुझसे पूछा तो मैंने तुम्हें बताया। जानती है छुटकी, पापा के चेहरे की खुशी देखकर मेरे दिल में जो मायूसी थी ना वो उसी वक्त खत्म हो गई, वरना मैं यही सोचती रहती कि पापा मारा थी नाराज। मम्मी तो ये कहती है कि पापा कब खुश होते हैं कब नाराज होते हैं ये तो वो भी नहीं समझ पाती, लेकिन मैं समझ पाती हूँ। पता है जब पापा नाराज होते हैं ना तो उनके चेहरे से पता चल जाता है कि वो नाराज है, लेकिन हाँ जब पापा खुश होते हैं तो उनसे कुछ भी करवा लो, और जब नाराज होते हैं तो बात करवानी हिम्मत ज नहीं थती। वैसे एक बात बोलूं बेन, जब वो बेवजह नाराज होते हैं ना तो कभी कभी उन पर बड़ा गुस्सा आता है। पापा पर गुस्सा आता है? नहीं छुटकी, पापा पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब देख पापा ने हमें जन्म दिया है, पढ़ाया है, लिखाया है, इतना बड़ा किया, और फिर सोच आज भी वो दिन रात मेहनत करते हैं, किसके लिए? हमारे लिए ना। तो कभी कभी अगर वो गुस्से में कुछ बोल देते हैं तो हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। जानते हैं ना उन्हें हमारी खुशियों का कितना ख्याल है, तो क्या हम पर नाराज होने का हक नहीं है उन्हें? बेन तुम्हारी बात साची छे, लेकिन मैंने कब कहा कि नाराज होने का हक नहीं है? वो नाराज हो सकते हैं लेकिन उसका कोई वजह तो हो, और कितना अच्छा लगता है जब मम्मी पापा खुश होते हैं। तो हूँ कहूँ, अब हमारे आने वाले कुछ दिन ना बहुत खुशियों से भरे। पापा ने हाँ कर दिया है ना, अब देखना छुटकी मैं पापा और मम्मी की सालगिरह कितनी धूमधाम से मनाती हूँ, मम्मी को खुद अपने हाथों से सजाऊंगी। आखिर उनकी 25वीं सालगिरह जो है। हाँ बिन, इस बार तो पापा सालगिरह मनाने के लिए तैयार हुआ है, और इस बार हम मम्मी को भी कोई काम नहीं करने देंगे। तो देखना छुटकी, इस बार केक भी मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। पापा के 200 जितने मेहमान आएंगे ना, सब लोग खाने के बाद ये बोलेंगे कि आखिर केक बनाया किसने। सिर्फ 2 दिन रह गए, तैयारी तो कल तीज करवी पड़ से। मैं एक काम करती हूँ, लिस्ट बनाकर तुझे दे देती हूँ, तू मार्केट जाके सारा सामान लेकर आ जा। ठीक है दीदी, लेकिन हम पापा से भी जरूर पूछ लीजिएगा कि उनके ऑफिस से कौन कौन मेहमान आने वाले। छुटकी चाहे जितने भी मेहमान आए हम सारा बंदोबस्त कर लेंगे, बस पापा पर ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि हम कम मेहमान चाहते हैं। अब देखना ज्यादा मेहमान आएंगे
तो पूरा घर कितना भरा भरा सा लगेगा। बस कल से ही हम पापा और मम्मी की सालगिरह की सारी तैयारियां शुरू कर देते हैं, ठीक छे? एकदम ठीक छे बे। मैं ये जतिन वतिन को नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हें ये बेकार के ख्वाब दिखाने वालों से दूर रहना चाहिए। यही मेरा फैसला है, आज मारो निर्णय। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण। आप बस थोड़ी देर पहले बुआ से पूछ रहा था आप ऑफिस से कब तक आओगे। हाँ वो आज ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम था इसलिए लेट हो गया। खैर मेरी छोड़, तू क्या, तेरा पहला दिन कैसा था? और नंदू भाई के यहाँ काम करना पसंद तो आ रहा है ना? हाँ भाई काम तो ठीक था, बस ये है कि काम सीखने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। जो संजय, काबिल होना अलग बात है और अनुभवी होना अलग बात है। तुम्हारी पढ़ाई ने तुम्हें काबिल बनाया पर अनुभव तो तुम्हें काम करने से ही मिलेगा। हाँ मोटा भाई, अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करोगे ना तो तरक्की जल्द ही मिलेगी। और वक्त गुजारने के लिए काम मत करना, दिल लगाकर काम करना। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो ऑफिस सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे गुजारने के लिए आते हैं। तुम वो गलती मत करना, दिल लगाकर काम करना। जी भाई मैं समझता हूँ। एम पण तुम काका के बड़े बेटे, तुम पर काफी जिम्मेदारियां हैं। कल को तुम्हें पूरे घर की जिम्मेदारियां उठानी होगी, सोनल और पूनम की शादी भी तो करनी है। तुम्हारा कामयाब होना बहुत जरूरी है, तुम्हें दिल लगाकर काम करना चाहिए। योमेश भाई मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ हाँ बोल ना। वो भाई मुझे भी काम करना है। अरे तुम्हें कौन सा काम करना है? वो सब बात मैंने कर ली है, फैबा ने मम्मा पापा को मना कर दिया। ठीक छे मैं फैबा से बात करूंगा, पर पहले मुझे ये तो बता कि तुझे कौन सा काम करना है, क्योंकि अगर बुआ ने मना किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। और वैसे भी इतने बड़े मुंबई शहर में इतनी जल्दी तुझे ऐसी कौन सी नौकरी मिल गई? मुझ भाई मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। अहमदाबाद में रहके तो ये हो नहीं सकता था, लेकिन इधर मुंबई में जतिन नाम का मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बोला है वो मुझे काम दिलाएगा, पर फैबा मना कर रही है। देखो सोना, अगर तुमने किसी कंपनी ऑफिस में जॉब की बात की होती ना तो मैं सोच भी लेता, लेकिन मेरा मानना है कि ये एक्टिंग वेक्टिंग के चक्कर में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी तुम्हें ये रास्ता किसने दिखाया? सोनल ये नाचने गाने का शौक घर तक ही सीमित रहे ना तो ही बेहतर है, ये बाहर नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी जो ये तुम काम की बात कर रही हो ये सबको रास नहीं आता। हमारी बात माने तो इस तरह के बेकार के ख्वाब देखना छोड़ दे। इसका क्या मतलब हुआ व्योमेश भाई? बचपन से मेरा सपना था कि मैं एक्टर बनूं, तो जब मेरी तकदीर मुझे मुंबई लेकर आई तो मुझे लगा मेरा सपना पूरा होने वाला है। मैंने जतिन से भी बात की तो उसने बोला वो मुझे काम दिलाएगा। जो सोना, मैं ये जतिन वतिन को नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हें ये बेकार के ख्वाब दिखाने वालों से दूर रहना चाहिए। यही मेरा फैसला है, आज मारो निर्णय। रो मत, मैं तुझे हीरोइन बनाऊंगा। देख हम ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, लेकिन तू ना किसी से कोई बात अभी नहीं करना, समझी?
क्या हुआ सोनल, तू क्यों रो रही है? रो नहीं तो और क्या करूं? लेकिन हुआ क्या? मुंबई आके सबसे ज्यादा खुश मैं ही थी। अब मेरा सपना पूरा होगा। फैबा ने मना कर दिया तो मैंने सोचा कि व्योमेश भाई से बात करती हूँ, लेकिन व्योमेश भाई ने भी साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि सपने देखना ही छोड़ दो। अरे डोबी, किसने बोला था व्योमेश के सामने जाकर ये सब बात करने के लिए? अरे हम लोग आराम से इस बात को संभालने की कोशिश करते ना। क्या बात संभालेंगे आप लोग? पापा फाइबा से तो बात कर नहीं पाते। सोनल, अटली उतावर नहीं सारी। तेरे को हीरोइन बनना है ना? अरे तू हीरोइन बनेगी, मैं तेरे लिए रास्ता बनाऊंगी ना। हाँ, अरे इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती बेटा। देख, जल्दबाजी में सारी बात बिगड़ जाएगी। वो बात क्या बिगड़ जाएगी? मैं साफ साफ कह देती हूँ मम्मी, मुझे जो करना है ना मैं वही करूंगी। हाँ, हे भगवान, आ माथा भारे छोकरी नो शू करूं मारे। तू हमें इस घर से बाहर निकलवाएगी क्या? वापस अहमदाबाद ले जाएगी? अरे बात करने से पहले पूछ तो लिया कर। मैं ना अच्छी तरह से जानती हूँ कि इन लोगों की सोच कैसी है। हाँ सोनल, फैबा और व्योमेश भाई दोनों की सोच एक जैसी ही है। फैबा भी परंपराओं में विश्वास रखती है और व्योमेश भाई की सोच भी अब बिल्कुल वैसी हो गई है। तुझे व्योमेश भाई से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तो लगता है आप लोग समझा समझा कि मुझे ही चुप कर देंगे। मैं कभी हीरोइन नहीं बन पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। बेटा शांति रख, तेरे को जो करना है ना तो वही करना, लेकिन अभी उतावल मत कर। इतना ही बोलती हूँ ना मैं। अरे अभी अभी तो हम इस घर में आए हैं, इस घर को, इस घर के माहौल को समझने तो दे मेरे को। फिर धीरे धीरे देख तेरी माँ क्या चक्कर चलाती है। मैंने चेती से बात की है, वो काम दिलाने के लिए तैयार है। अगर मैं ऐसे इंतजार करती रही तो सारा काम मेरे हाथ से निकल जाएगा। अरे कोई काम हाथ से नहीं निकल जाएगा, बोला ना। हाँ, अरे थोड़े दिन शांति रखने, इस घर के रीति रिवाज को समझने तो दे मेरे को। एक बार इस घर के रीति रिवाज को समझ लो ना, फिर कैसे देख मैं उल्टा चक्कर घुमा के नए रिवाज बनाती हूँ। तो देखती जा मैं क्या करती हूँ। हाँ, और सोनल इस तरह रोने से और गुस्सा करने से और बात बिगड़ जाएगी। मम्मी और पापा समझते हैं ना, तू बस चुप रहकर इंतजार कर। देख, हम ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, लेकिन तू ना किसी से कोई बात अभी नहीं करना, समझी? आप तो उनके सगे भाई है ना, आप तो उनको समझा ही सकते हैं। अरे मेरे पापा होते ना तो भी इसे नहीं समझा पाते। ये ललिता बहन जैसे लोग जो होते हैं ना, इन्हें समझाना नहीं समझने की जरूरत होती है। ये जिस बात को मानते हैं उसे करने के लिए कुछ भी कर सकते। इसका मतलब मैं कभी हीरोइन नहीं बन पाऊंगी। पूछू ने, तुझे हीरोइन बनना है ना तो तू बनेगी। मामला कैसे सेट करना है वो तू मेरे पे छोड़ दे, बस।